शुक्रवार को जाएंगे, कल तो शुक्रवार हो गया, नहीं अब बंदी है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। और इसमें पूरे सर्जिकल ड्रम्स, इसमें डॉक्टर का ड्रेस गॉज पीस हो गया। और एक चीज़ और है, ये ट्राइंगुलर बैंडेज है, अगर किसी को चोट लगा है तो सपोर्ट कर। इसको अप टू डेट रखते हैं, कोई इमरजेंसी होगी तुरंत इस कॉन्टैक्ट पे हमको मैसेज दे। उनका भी, ये नॉमिनेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम भी हैं, और ये पूरा लिस्ट लगा हुआ है क्या पूरा, ये है इधर वॉश, ये वॉश बेसिन है, ये सब है, ये पूरे रखे गए। और ऐसे इसको हम स्टाफ रूम भी यूज करते हैं, ठीक है, यात्रा के लिए मतलब हमेशा तैयार रहती है। कभी भी कोई दुर्घटना से निपटने के लिए भारतीय रेल ने एक एक्सीडेंट ट्रेन रखा हुआ है हर डिवीज़न में, और बड़े स्वास्थ्य केंद्र में भी है। इसी तरह मऊ जंक्शन में भी हमारा, जो कि क्लास ए कैटेगरी स्टेशन है, यहाँ पे ARM भी रखा गया, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो इसमें एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन में पूरी, जब भी कोई दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना होती है जो बड़ी होती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन के साथ जो नामित कर्मचारी हैं, मैं हूँ और मेरे स्टाफ हैं, वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। और पूरी रेलवे की एक टीम होती है जो कि एकदम एक तरीके से काम करती है, जो कि वहाँ पे जो भी दुर्घटना हुई है, जो लोग को चोटें आई हैं उनको इलाज करती हैं। हमारे यहाँ पे इस ट्रेन में OT की सुविधा उपलब्ध है, जो कि इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए है, और प्लस वार्ड है जिसमें कि पूरे 12 बेड हैं, जो कि दोनों वातानुकूलित हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डॉक्टर का चैम्बर है, स्टाफ का चैम्बर है, और पूरी सारी इमरजेंसी दवाएं और प्लस इमरजेंसी वहाँ रुकने के भी साधन हैं हमारे पास। हमारे पास टेबल चेयर्स हैं, और वहाँ पे कुछ समय के रुकने के लिए टेंट भी लगाने की सुविधा उपलब्ध है। तो मतलब भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी रेलवे अपने आप में एक परिपूर्ण व्यवस्था लिए हुए चलती है। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि रेलवे के पास सभी संसाधन मौजूद हैं, और मऊ चूंकि ए श्रेणी का स्टेशन है, NER में यहाँ सारी व्यवस्थाएं, अगर आज दुर्घटना होती हैं तो हमारे पास अस्पताल से लेके सहायता ट्रेन तक सब कुछ मौजूद है। हमें किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना है, ईश्वर न करें ऐसा कुछ हो, लेकिन रेलवे की सारी तैयारियाँ परिपूर्ण हैं। निश्चित रूप से हम तो पहले अपनी सारी व्यवस्थाएं रखते हैं, तत्काल मौके पर जाना, हमारे पास स्वचालित अस्पताल है, हम उसके माध्यम से यात्रियों को सहयोग करते हैं, फिर हम श्रेणीबद्ध तरीके से कौन से मरीज को कहाँ भेजना है उसके अनुसार हम प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों तक की सहायता है।